फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे से होंगे। भाई मेरा परिवार है, आप सब मेरी फैमिली हैं। अगर आप सब अच्छे से रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जिनको झाइयाँ ज्यादा हैं, पिगमेंटेशन है ना झाइयाँ, जैसे फेस पे कहीं दाग पड़ गया। कुछ लोग देखो, न्यूली जो मदर्स होती है वो बोलती है कि मुझे दाग आ रहे हैं, झाइयाँ बन रही हैं, ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो इसलिए होता है सिस्टर, या जो भी बताऊँ आपको, जैसे बोलो, जैसे भी आप अच्छा लगे आपको, मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। हम अपने फेस पे एक बेबी हो जाने के बाद हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, या शादी होने के बाद हमारी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। ऐसा नहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बट हाँ, काम का अपना शेड्यूल। मम्मी क्या पे थे तो आप सिर्फ अपना करते थे, किसी से कोई मतलब नहीं है। पापा आए, मम्मी दे रही है, भाभी दे रही है, चाची दे रही है। बट अभी क्या है, अभी हमें खुद सब करना होता है, हमें अपनी फैमिली हैंडल मैनेज करनी होती है। कैसे सुबह काम करना है, शाम में करना है, कब करना है, दिन में करना है। वर्किंग वूमेन्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो डियर, मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाई हूँ जिससे आपके जो दाग धब्बे होंगे वो ठीक हो जाएंगे। उस पर कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो पिगमेंटेशंस हैं, पिगमेंटेशंस के बहुत से कारण होते हैं। चिंता, आपका रात में जगना, नींद न पूरी होना। रात में जगना मीन्स ऐसा नहीं कि फ़ोन देखना, बहुत वर्किंग वुमेंस ऐसी भी होती हैं या नॉन वर्किंग भी ऐसी होती हैं, घर में इतना काम होता है, कई बार वो रात के 2-2 बजे तक जगती। मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ, मैं वीडियो एडिट करने अगर बैठ गई तो मुझे ना बहुत आराम से 2-2.5 बज जाता, और जो कि पता नहीं चलता है कि 2-2.5 बज गया। उस बीच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉफ़ी बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, और ऐसा लगा कि अमृत पी लिया, जग गए। नहीं भाई, आपको अपने फेस का ध्यान रखना है, बट कैसे रखना है मैं वही बताने वाली हूँ। परेशान मत हो, कहीं नहीं जाना है, घर पे रहना है, घर की चीजों से ही करना है। और रियली बता रही हूँ, इसका इफेक्ट मुझे दिखा था। मुझे यहाँ पे ऐसे लाइनिंग सी आती थी और वो मुझे लगता था हाय ये क्या हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लाइट हो जाए, बट लाइट नहीं हो रहा था। और लाइट होना तो छोड़ो, जब वो तैयार होते थे तो बहुत भद्दा सा लगता था, बुरा जिसको कहते हैं हम, वैसा लगता था। बट वो लाइन मेरी बिल्कुल चली गई, मेरे डार्क सर्कल कम होने लग गए हैं। टच वुड यार, बहुत डर लगता है मुझे। पिंपल्स पहले बड़े बड़े दाने से निकल आते थे, पिंपल्स के होते थे, बट दाने टाइप के होते थे, शायद मुझे ड्राइनेस की वजह से होते थे। बट हाँ, मेरे जो फेस पे दाग धब्बे थे वो मुझे बहुत कम लग रहे हैं। तो वो कैसे कम हुए मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलो फटाफट से, अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फटाफट से सारे शेयर करते हैं मैं क्या करती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा दूँ, ये मैंने पोटैटो साइड में रखा हुआ है, और ये है पोटैटो जूस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फेस के लिए होता है। और ये टमाटर है, टमाटर का जूस भी मुझे डालना है, एंड लेमन है, लेमन का थोड़ा सा जूस डालना है 1-2 बूंद, और है बेसन। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। अब इनको सबको मैं कैसे पैक बनाऊँगी, पैक बना के आपको फटाफट से सारा दिखाऊँगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस पैक। ये है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट दिखा दूँ, आलू का जो जूस था वो जूस है, ये गिर जाएगा, मैं दिखा नहीं पा रही इसलिए मैंने पहले दिखा दिया। ये हाथ से ना थोड़ा सा आलू का जूस जो है फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, हाथ में लेना है, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। एंड थोड़ा सा 1 बूंद नींबू का जूस, 1 बूंद में इसमें बस देखो 2 ड्रॉप गया। मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करके एज अ टोनर या प्रिपेयर करने के लिए स्किन, इसको आप पैक की तरह लगाओगे। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कि मेरे हाथ में चोट है, आपको पट्टी दिख रही है, इसलिए मैं ठीक से लगा नहीं पा रही थी। तो मैंने एक ही हाथ से इसको लगाया, एंड इसको लगाने के बाद अच्छे से फेस पे एसी नहीं यार, अपना वो जो नोटबुक रखती हूँ उसको भूल गई थी, वो ओपन रह गई थी। एंड इसके बाद पूरा नेक तक इसको लगाया। नेक तक लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, जब तक ये अपना सारा काम करेगा तब तक हम पैक रेडी करेंगे। पैक रेडी करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कटोरी में, जो मेरे पास आलू का जूस रखा था, आलू का जूस वो दिख रहा होगा आपको, मैंने दिखा दिया आलू का जूस। उसके बाद फिर इसमें मुझे डालना है जो भी इंग्रेडिएंट थे मेरे पास, स्टेप बाय स्टेप डालने हैं। जब भी बनाओ तो थोड़ा सा लम्स वगैरह की दिक्कत ना रहे, जरूर ध्यान देना। इसमें मैंने डाल दिया सबसे पहले आलू के जूस में बेसन, बेसन अपने फेस के अकॉर्डिंग और नेक के अकॉर्डिंग ले लेना, बट मैंने सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग ही लिया। रीज़न ये कि मैं नेक तक इस हाथ से लगा नहीं पाऊंगी, इसलिए जितना हो सकता है मैं सिर्फ फेस तक ही लगाऊंगी अभी, और लगाना तो नेक तक ही लगाना। इसके बाद इसमें डालूंगी थोड़ा सा टमाटर का रस, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके फेस पे ब्लीच का काम करेगा। और ये है लेमन, लेमन का 1-2 बूंद, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालना, क्योंकि ये फेस पे आपका फेस तो क्लियर करेगा, ज़्यादा डालोगे तो किसी किसी को इचिंग हो सकती है, अगर किसी को एलर्जी हो तो आप इसको स्किप कर देना। अब इसके बाद इसमें जो बेसन बचा था मैंने उसको भी डाल दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेयर मोटी रखनी थी, इसलिए मैंने ले लिया, थिक लेयर रखनी थी। एंड इसके बाद इसके पल्प, इसके जितने टमाटो वगैरह के पल्प थे उसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करते करते आपको बता दूँ इसके बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जो इसमें पोटैटो जूस है वो एंटी एजिंग का काम करता है। आपके फेस पे जो पुराने से पुराने दाग धब्बे होते हैं
जो भी झाइयाँ पिगमेंटेशन जो भी होता है उनको लाइट करता है। टमाटर का जूस है जो एक बहुत ही लाइट इंग्रेडिएंट होता है ब्लीच का, होम मेड ब्लीच कह सकते हो, वो काम करता है। एंड इसमें बेसन है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, रिंकल्स नहीं आने देता है, फेस को ब्राइट करता है। बेसन पहले के टाइम पे लोग बेसन का फेस वॉश, बेसन का पैक ही यूज़ करते थे, कोई बाहर का नहीं आता था। एंड इसके बाद इसमें मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा लेमन जूस, बहुत थोड़ा सा। अगर आपको एलर्जी है तो प्लीज़ आप स्किप कर देना, ऐसे मत लगाना कि आपको एलर्जी कर जाए, लेकिन एक से दो बूंद डालने में कोई एलर्जी नहीं होती, ईचिंग नहीं होती। जो आप बाहर सनटैन वगैरह हो जाता है उसके लिए ये पैक बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो झाइयाँ हैं बहुत पुराने दाग धब्बे उसके लिए बहुत अच्छा है। बट आपको कुछ दिन तक लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में इसका रिजल्ट दिखेगा, एक बार में नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा। एंड मैंने ये पूरा लगा लिया फेस तक, अब इसकी थोड़ी सी मोटी लेयर में लगाऊंगी, और इसको वीक में आप 3 to 4 days यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रीज़न ये है कि आप जब कुछ टाइम यूज़ करोगे तभी आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट दिखेगा। और ये पैक अच्छे से लग गया, मैंने नेक तक नहीं लगाया हाथ की वजह से जो चोट लगी थी, बट आप लगाना तो इसको नेक तक लगाना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा इसका। एंड मैं अब इसको 10 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा तो फिर आपको दिखाती हूँ। एंड ये पैक है, पैक बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा तो ऐसे रहेगा, अब मैं वॉश करके फिर आपको दिखा। एंड फेस पैक मैंने रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हो स्किन कितनी क्लियर है, बहुत ही अच्छी है। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ फेस क्लीन किया है, और अभी आप देख सकते हो फेस पूरा गीला है, मैंने भी अच्छे से वेट भी नहीं सुखाया भी नहीं, आप देखो रिजल्ट बहुत प्यारा है। देखो बड़ी बेसिक सी चीज, सिंपल सी थी, आपको पता है। देखो एक तरीके से आपको दो तरीके में मैंने आपको इतना वो बता दिया कैसे कर सकते हो, तो बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हो आप, घर पे ये चीजें यूज कर सकते हो। देखो मैं बताती हूँ, अगर घर पे हो आप तो फटाफट, जैसे मैंने बताया कि पोटैटो जूस है उसको कैसे करना, पोटैटो पाउडर जो आपके पास अवेलेबल हो, मैं तो कहती हूँ स्लाइस भी चलेगा, तो आपको वो करना है। आप घर में कुछ किचन में काम कर रहे हो, पहले उसके लिए उसका क्यूब बनाकर, आप बर्फ बना के रखो उसके क्यूब्स बन जाएंगे। आपके पास वो है जो रोलर होता है तो ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल आइस ट्रे होगी उसमें रख दो। अगर आप वर्किंग हो तो सुबह आप ऑफिस जा रहे हो तो बना के रख दो, ठीक है। एंड आलू तो घर में होती ही होती है, आलू की सब्जी बननी ही बननी चाहे किसी का भी घर हो, मेरे घर में खुद ही हस्बैंड आलू की सब्जी खाते हैं, बहुत पसंद है। एंड सेकेंड है जो फेस पैक है, देखो मैं वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए बता रही हूँ, दोनों के पास बहुत काम होता है। नॉन वर्किंग का बस पता नहीं क्यों बता रखा है कि नॉन वर्किंग है। देखो वर्किंग है, आप ऑफिस से आते हो अपना किचन का सारा काम खत्म करते हो, जब काम खत्म हो जाता है किचन का उसी समय आप पकड़ के सारा अपना फेस पैक बना के लगा के तो आप रूम में जाओ, हस्बैंड से बात करनी है, वो टीवी देख रहे हैं, आप उनसे बात भी करते रहो, अपना ऑफिस का सेटअप रेडी करो, नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे रेडी कर लगा लो, उसके बाद फेस वॉश तो रात में करता ही करता हर कोई, ठीक है। एंड सेकेंड अगर आप घर पे हो, आप मान लो आपको ऑफिस का काम नहीं, सारा किचन का काम खत्म किया, सारा फटाफट से पैक बनाया, पैक बना के रूम में, मान लो घर पे सब है ठीक नहीं लगता, भूत की तरह निकल के जाओ कमरे से, तो आप किचन से निकल के पैक को अपने रूम में ले जाओ, वॉशरूम में जाके लगा लो। आपको घर पे बात करनी है, पति के पैर दबाने हैं, मैं पैर डेली दबाती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, पैर दबाने हैं, बात करना है, कुछ भी करना है आपको अपना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ आपको सुबह यही काम रहता है कि मुझे सुबह क्या पहनना है, कपड़े निकाल कर रख लो, मुझे नहाना, ये भी काम होता है। मैं बता रही हूँ, मुझे YouTube का वीडियो बनाना होता है तो सामने वहाँ पे जो टेबल दिख रहे हैं उसके नीचे मेरे इयररिंग्स वगैरह की वो छोटा सा बॉक्स है, तो मैं उसमें से बॉक्स निकालना होता है तो मैं पैक लगा के फिर बैठ जाती हूँ, फिर सेटअप रेडी करती हूँ। तो आप टाइम निकाल, अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, जो काम आप करते हो ना उसी के बीच में आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए, नहीं तो स्पेशल टाइम आप अपने लिए नहीं निकाल सकते हो। सच बता रही, पहले मुझे लगता था मैं अपने लिए सोचती थी मैं वेट कैसे कम करूं, मैं जिम नहीं जा पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं 1 घंटे अपने लिए अब निकालती हूँ और 1 घंटे बाहर टहलती हूँ, 2 घंटे 2 आवर्स मैं अपने लिए निकालती हूँ। अब बेशक सब गुस्सा होते हैं मेरे सारे रिलेटिव की तुम फोन नहीं करती, भाई नहीं कर पाते, जब जरूरत होगी तो कर पाएंगे, जब मैं फिट हूँ तभी सब कुछ। पहले मैं इतनी मेडिसिन लेती थी, टचवुड माइग्रेन की लेती थी, ये लेती थी, वो लेती थी, बट अब टचवुड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी अपने ऊपर ध्यान दो। मैं बेसिकली फेस को अपने टाइम देती हूँ क्योंकि मेकअप करती हूँ, नहीं भी करती हूँ तो फेस अपना खराब नहीं होना यार, तो अपने फेस को आपको टाइम देना पड़ेगा, जो टाइम आपके पास है इसमें से आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। डियर आप मेरे सिस्टर हो, मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, सिस्टर हो, बड़ी दीदी हो, जो भी हो, भाभी हो, सब लोग, आप लोग अपने लिए टाइम निकालो, मैं आपको बोल रही हूँ पल्ली। तो बस इसको जरूर ट्राई करना, जितना मैंने बताया ट्राई करना, ऐसा नहीं वीडियो को देखा और स्किप करके देखते हो तो आपको वीडियो समझ में नहीं आता, तो जो पैक लगाने का है उसको स्किप मत करो। स्टार्टिंग की मेरी बातें आपको अच्छी लगती तो सुन लो, नहीं लगता तो स्किप कर दो, बट जो मेन है उसको स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखो तभी समझ में आएगा और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं बोल रही हूँ। तो ट्राई करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय।